Hello friends, in this video we are going to learn about the articles of association. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के फॉर्मेशन में आपको लगेगा, यानी जब कंपनी फॉर्म किया जाएगा तो कौन सा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद जो कंपनी के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होगा, जिसे हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कब वो रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। सो स्टार्ट करेंगे मीनिंग पार्ट से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो मीनिंग में लिखता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसका मतलब फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी जो बेसिक डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसलिए जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है या मोस्ट सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। सो प्राइमरी डॉक्यूमेंट में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में देखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इट नीड टू बी फाइल विद द ROC अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स को हम कब प्रिपेयर करेंगे, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ में प्रिपेयर किया जाएगा। तो पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लेंगे, जिसमें कंपनी के जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट है या जो पर्पज़ है कंपनी का, वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे, क्लॉजेज आ जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाएंगे। तो पहले मेमोरेंडम बनाया जाएगा, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जाएगा। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे के सारे उसमें लिख दिए जाएंगे। और लिखने के बाद जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद उसे फाइल करना पड़ेगा ROC के पास, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करेंगे। कब? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, यानी कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको मेमोरेंडम के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी फाइल करना पड़ेगा। दिस डॉक्यूमेंट इज सबॉर्डिनेट और सेकेंडरी टू द मेमोरेंडम। तो ये डॉक्यूमेंट एक तरह का सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है, किसके लिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। तो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बट उसको एक तरह का सपोर्ट देगा, यानी कि एक सबॉर्डिनेट करेगा कौन? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम बात करेंगे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की। जिस तरह से हमने समझा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि कंपनी का एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट उसे माना जाता है, जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस चीज़ के लिए होंगे? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो रिलेशन शो करता है कंपनी आउटसाइडर्स के बीच में, बट यहाँ पर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलावा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में काम आएंगे। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट मतलब क्या? कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटीज़ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, वो सारे के सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होंगे। जैसे कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, या फिर कंपनी शेयर इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, तो उस सारे केसेस में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, या फिर शेयर वारंट इशू करना है, या फिर जो भी कंपनी के काम होंगे, वो सारे के सारे काम में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कहाँ लिखे होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होंगे। इट डिफाइन द पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? सो हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो पर्सन है जो कंपनी का मैनेजमेंट संभालता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट है, इसलिए कहा जाता है कि इन जॉइंट स्टॉक कंपनी देर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है, यानी ओनर अलग होंगे और मैनेजमेंट अलग होगा, यानी कि जो ओनर है वो कंपनी को मैनेज नहीं करेगा। सो कंपनी के ओनर कौन? शेयर होल्डर। तो क्या शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज नहीं करेंगे? नहीं, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर के हाथ में नहीं होगा, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगा।
तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पूरा पावर है कंपनी को मैनेज करने का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या पावर्स होंगे, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होगी, वो सारे के सारे पावर्स, वो सारे के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपने पावर्स का, अपनी ड्यूटीज़ का या फिर अपने राइट्स का यूज़ कर सकता है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं. इट इस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, ऑल्सो बिटवीन द मेंबर्स. सो ये एक रिलेशनशिप शो करेगा कंपनी और उसके कंपनी के एम्प्लॉय के बीच में. सो हम बात करें कंपनी और कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन शो करेगा, तो ये एक इस्टैब्लिशमेंट करता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स माने जाएंगे. जैसे कोई कंपनी का शेयर्स खरीदता है और शेयर होल्डर बनता है, तो वो शेयर होल्डर कंपनी का क्या कहलाता है, ओनर कहलाता है. तो कंपनी का और कंपनी के मेंबर्स के बीच का एक रिलेशन शो करेगा कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका कंपनी के साथ क्या रिलेशन होगा. उसके साथ साथ मेंबर टू मेंबर्स यानी मेंबर और मेंबर के बीच का क्या रिलेशन होगा वो भी ये क्या करेगा, शो करेगा. इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर किया जाता है, तो रजिस्टर करने से पहले उस पर कुछ ना कुछ लोगों की साइन होती है, यानी कि प्रमोटर्स जो होते हैं वो साइन करते हैं उसको. सो हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7% प्रमोटर्स रिक्वायर्ड होंगे, पब्लिक कंपनी के बाद प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2% रिक्वायर्ड होंगे, और 1% कंपनी में 1% का रिक्वायरमेंट है. तो जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसको साइन करना पड़ता है प्रोमोटर्स के द्वारा, उसी तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करना पड़ेगा. सो हम देखेंगे कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कौन सब्सक्राइब करेगा, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 प्रोमोटर्स होंगे जो उस पर साइन करेंगे, उसी तरह से प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 प्रमोटर्स को साइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उसको उसी तरह से 1% कंपनी में भी 1% इसको क्या करेगा, साइन करेगा. उसके साथ साथ जब ये लोग साइन करेंगे तो एटलीस्ट एक विटनेस वहाँ पर होना चाहिए. वो वन विटनेस क्या करेगा, वहाँ पर खड़ा रहेगा, और विटनेस कौन होना चाहिए, जो पर्सन ने उस पर पहले साइन किया है यानी उसको सब्सक्राइब किया है. इसके साथ साथ इसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो प्रमोटर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशंस, ये सारी डिटेल जो है लिखी होंगी जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है. तो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ेगा. यानी किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन के लिए आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है. किसी भी टाइप की कंपनी हो उसमें भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. बिना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती. थैंक यू फ्रेंड्स.